हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारा नए ब्लॉग पे। और आज हम लोग घर पे हैं। कहाँ है नाया? घर पे हैं और अभी जा रहे हैं किचन की ओर। आज कुछ नया रेसिपी आप लोगों को दिखाते हैं। आज शायद गुलाब जामुन बन रहा है ना? बन रहा है ना? हैं? बन रहा है? क्या बन रहा है? गुलाब जामुन। हाँ बोलो। हाँ तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को भी क्या है, कैसा है रेसिपी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा बना है। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ मैं अब किचन में। देखिए यहाँ रेसिपी की तैयारी हो रही है, तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें। हैं गाइस, इंग्रेडिएंट्स है क्या क्या है जी इसमें? 1 कप दूध है, 1.5 कप पाउडर है, 1/2 कप घी है, केसर है, इलायची है, छोटी इलायची है, मैदा है 4 चम्मच, गुलाब जल है और चाशनी के लिए शक्कर है 1 kg। ये कितने रसगुल्लों का बन रहा है? 40 हो जाएगा। चलिए गाइस देखते हैं बना रही है तरन्नुम आज रसगुल्ला, कैसा बनाती है देखिएगा आप लोग भी और कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने दूध डाल दिया है। डालने के बाद अब यहाँ गैस का फ्लेम जलाएंगे कम आँच में। इसको क्या करना है? डालना है 1 कप। हाँ। इसके बाद खोआ बनने की तैयारी में है और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा बनता है। देख सकते हैं गाइस, ये बैटर तैयार हो रहा है। इस लोगों को आप लोगों को कम से कम 1/2 घंटा तक इसी प्रेस से चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना, ताकि ये खोआ बन जाए। सगंडी जी आ गए हैं सगंग लेने के लिए, आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं। देखिए गाइस, हम लोगों का बैटर अब तैयार हो चला है। अब लगभग लग रहा है कि तैयार हो चल रहा है। कितना देर लगेगा और? 10 मिनट गाइस और लगेगा। देख सकते हैं यहाँ बना रही है तरन्नुम जी रसगुल्ला, आज खिलाएंगी। लग तो रहा है। देख सकते हैं गाइस, अब ये बैटर तैयार हो गया है। अब इसको निकालेंगे कहाँ पे? क्या करेंगे इसमें निकाल के? इसमें निकाल के ठंडा करेंगे, उसके बाद मल लूंगी तब स्पंजी बनेगा ना। अच्छा, देख सकते हैं गाइस, ये बैटर अब तैयार हो गया। अब इसको मलना है आटे की तरह। आटा की तरह मतलब कम से कम 1/2 घंटा मलना है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं और अभी अपना अपन चाशनी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ अपन डालते हैं पानी 1 कटोरी, उसके बाद 1 kg इस पर शक्कर जाएगा ताकि अपना 1 तार का चाशनी कम्प्लीट हो जाए। देखिए चलिए अब चाशनी तैयार हो रहा है, आगे आप लोग को दिखाते हैं। इसको बलने देते हैं तब तक देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस, हम लोगों का यहाँ पे बैटर तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है। अब इसको कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना है। देखिए क्या क्या है ये? बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, 4 चम्मच मैदा है, 1/2 चम्मच से छोटी इलायची पाउडर है 1 चुटकी, इसके बाद इसको मलेंगे तो इसको अब मलेंगे आटे की तरह ताकि ये नरम हो जाए और अच्छा से स्पंजी रसगुल्ला बने। आगे देखिए, तो गाइस अपना गुलाब जल छूट गया है तो ये अपन गुलाब जल डालेंगे। कितना है? 2 से 3 चम्मच गुलाब जल डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि लगे सुगंध अच्छा है, ताकि गुलाब जल का 3 चम्मच डाल रही हूँ। चाशनी रेडी हो चुका है, उसमें क्या डाल रहे हैं? छोटी इलायची का पाउडर और गुलाब जल। कितना? 2 चम्मच गुलाब जल, केसर थोड़ा सा। इसको बंद कर देंगे। अब ठंडा हो गया है और लोग बना रहे हैं, अब खाएंगे इसको।
देख सकते हैं गाइस, ये तैयार हो चुका है अपना बैटर। इसको अभी रसगुल्ले की शेप में दे रहे हैं, जिसको अभी अपन छानेंगे और छानेंगे इसको हल्का सुनहरा होते तक, ताकि रसगुल्ले कलर पे आ जाए। और आगे दिखाते हैं आप लोग को छानने के बाद कैसा बनता है, चाशनी में डुबाते हैं इसको। देख सकते हैं गाइस, पर हमारा रसगुल्ला तैयार हो गया है। तेल गर्म करके हल्का हल्का उसमें डाल दिए हैं छानने के लिए, इसको हल्का सुनहरा रंग होते तक इसको छानेंगे, सब इसको चाशनी में डुबा देंगे। इसका आँच मध्यम रखें, कम रखें, ज़्यादा ना रखें तो जल जाएगा पूरा। और देखिए इस टाइप से इसको अच्छे से मल के बनाएं, दरार रह जाएगा तो रसगुल्ला फट जाएगा, दरार ना रहने दें इसमें। देख सकते हैं गाइस, अपना पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। अभी चाशनी में जाएगा तो और खूबसूरत हो जाएगा, दिखाते हैं आप लोगों को आगे। देखिए छनने के बाद कैसा दिख रहा है गाइस, अपना रसगुल्ला बनके रेडी हो गया है गर्मा गर्म। कितना अच्छा कलर दिख रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस कैसा बना है। और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। और अच्छा बना है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में बना के। और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं गाइस तब तक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।